हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा ने अपने नेक्स्ट ट्रैक की डेट बता दिया, तो 9 नवंबर को ये ट्रैक ड्रॉप होने वाला है। तो अभी ऑफिशियली गाने का नेम नहीं पता चला है, पर जो कुछ हिप हॉप पेजेस है उनका कुछ ऐसा कहना है कि इस ट्रैक का नेम नो कैप होगा। तो फिलहाल इंतजार करता है, आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस ट्रैक के लिए नीचे कमेंट्स में बताना। तो अब बात कर लेते बाली के बारे में। तो बाली ने भी अपना एक ट्रैक अनाउंस कर दिया है जिसका नेम है प्यार चाहिए, और इसके बाद जो उनका ट्रैक देखने को मिलेगा उसमें एक रैपर की फीचरिंग होगी। तो उस रैपर का नेम अभी तक रिवील नहीं करा है बाली ने। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन हो सकता है जिनका नेम चार लेटर से होता है। तो अब बात कर लेते माइकी और बेला के बारे में। तो माइकी और बेला जो है वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे हैं, और इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए माइकी कुछ ऐसा लिखता है, द मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट राइट नाउ, आई एम फॉलोइंग हिज वर्क, मेक श्योर यू टू, होम एल्बम इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, हैशटैग होम सिकनेस। और इसके बाद से उन्होंने एक और स्टोरी डाली है जो कि खास कर न्यूज चैनल्स के लिए। तो कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, फॉर आर डियरेस्ट हिप हॉप न्यूज चैनल्स, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस अपडेट्स ऑन आर्ली बेसिस, ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, प्लीज डोंट ड्रैग एनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, वी आर हियर टू सर्व द आर्ट, सर्व म्यूजिक नॉट प्लेटफॉर्म्स, सर्व आर्ट नॉट द आर्टिस्ट, नॉट एनी सिंगल पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, दे ऑल आर, हैशटैग जस्ट अ प्रीच। तो जैसे कि माइकी ने कहा है, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, और जो भी अपडेट्स आएगी कंफर्म आएगी, भले ही थोड़ी लेट आएगी। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो चीरफाड़ की साइट से है। तो चीरफाड़ ने रफ्तार के साथ की एक चैट दिखाई है, और उसमें वो कुछ ऐसा लिखते हैं, अपने छोटे हो या बड़े भैया सबका ख्याल रखते हैं, हैप्पी दिवाली टू ऑल, और ईपी की विशेष भी आ गई है, फाड़ देंगे गेम। तो अब बात कर लेते सिकंदर कालो के बारे में। तो सिकंदर कालो और स्टैन वर्ल्ड का जो ट्रैक आने वाला था जिसका नेम था अगर है इश्क, तो काफी सही ट्रैक है, आप लोगों को सुनना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करो। तो अब बात कर लेते काम भारी और स्पिट फायर के बारे में। तो दोनों ही भाइयों की तरफ से दो फ्री स्टाइल्स देखने को मिले, एक काम भारी का है और एक स्पिट फायर का। तो दोनों का ही लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करो और बताओ कि कैसे लगे आप लोग को ये फ्री स्टाइल्स। तो अब बात कर लेते इक्का के बारे में। तो इक्का की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, और इक्का का कुछ ऐसा कहना है कि अब से उनके जितने भी ट्रैक्स आएंगे वो उन्हीं के यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेंगे। नाउ ऑल माई ट्रैक्स आर रिलीजिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, विटनेस द ट्रुथ। तो अभी 2 लाख करीब उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स है, तो आप लोग चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बात कर लेते जीवन के बारे में। तो जीवन का भी एक गाना आ चुका है जो कि है पाटिल साहब के साथ में, और गाने का नेम है बी अवेयर ऑफ गर्ल्स। तो अब बात कर लेते ट्रेविस स्कॉट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यूटोपिया एल्बम जो आने वाली है ट्रेविस स्कॉट की, तो उससे पहले वो एक डिस्टोपिया एल्बम ड्रॉप कर सकते हैं। तो एल्बम तो देखने को नहीं मिली है, पर अभी 2 ट्रैक्स ड्रॉप हुए हैं जिनका नेम है एस्केप प्लान और माफिया। तो ये डिस्टोपिया का ही पार्ट है, और दोनों ही ट्रैक्स काफ़ी सही है। तो स्पॉटिफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।